आपके सामने पैनासोनिक कंपनी का 21 इंच का सीआरटी टीवी है। तो फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। ये हमने इसकी कर दी पावर ऑन। तो इसमें ये देखिए, इसका एलईडी जल चुका है और इस टीवी में कुछ नहीं आ रहा है, ना स्नो आ रही है, ना ही पिक्चर आ रही है, ना ही साउंड आ रही है। तो इस टीवी को हम रिपेयर करेंगे, तो आप बने रहिए। तो हमने इस टीवी का जो बैक कवर होता है वो खोल लिया है। तो ये रहा इस टीवी का पीसीबी बोर्ड। तो हम इस पीसीबी बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। तो ये रहे इसके साउंड के जैक, इसे हम बाहर निकालेंगे, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये जैक बाहर निकाल दिए। साथ में हम डिकोजिंग के जो जैक है वो निकाल लेंगे। तो ये रहा इसका जो पीसीबी बोर्ड है, तो हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने से पहले ये जो सा प्लास्टिक का कवर है वो निकाल लेंगे। तो ये रहा इसका जो मेन सप्लाई है, ये रही प्राइमरी सेक्शन और ये सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे जो 110 की सप्लाई होती है, क्योंकि इस हालत में ये जो मेन 110 वोल्टेज की सप्लाई है बिल्कुल ओके होनी चाहिए। तो चलो हम 110 वोल्टेज की सप्लाई चेक करेंगे। तो हम लेते हैं मल्टीमीटर। हमने मल्टीमीटर 1000 वोल्ट डीसी की रेंज में रख लिया है। तो अब इसकी पावर ऑन करेंगे टीवी की। तो ये कर दी है हमने टीवी की पावर ऑन। तो वोल्टेज चेक करा देता हूँ आपको। देखिए 110 वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वोल्टेज नहीं बता रहे कुछ भी, क्योंकि टीवी की जो ESD होती है वो अपना काम कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें फॉल्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड, टीवी तो ऑन है। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, ये जो ESD है, यहाँ जो प्रिंट है वो उड़ चुके हैं, यानी कि क्रैक पड़ गए हैं इसमें। और ये जर जर से ESD की सप्लाई जो है आ रही है इन दरारों में से। तो हम इन दरारों को, ये उसके प्रिंट हैं, ये हम अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं। इसी कारण से ये जो शायद डिस्प्ले है, पिक्चर है, वो नहीं आ रही है। तो ये कस्टमर द्वारा टीवी जो है शायद गिराया होगा, तो ये इसमें दरारें पड़ गई है। ध्यान से रहिए। तो हम इन प्रिंटों को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे कि शायद इसका ही फॉल्ट होगा। तो हम चलो दोबारा प्रिंट बनाएंगे। इसी कारण ही ये जो मल्टीमीटर है वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो ESD है वो स्पार्क कर रही है। हम स्क्रू ड्राइवर के साथ इन प्रिंटों को खुरचेंगे। ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की ऊपर इंसुलेशन चढ़ाई होती है, इसे हम निकाल देंगे। ये जो सभी प्रिंट है इसे अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे ऐसे ही। थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर हम ब्रश के साथ अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो ऐसे नज़र आने चाहिए सभी जो प्रिंट हैं। ध्यान से देखिए आप। फिर हम उस इसके ऊपर सोल्डिंग करेंगे, फिर जम्पर डाल देंगे।
तो हम सोल्डिंग कर लेंगे इन ये जो इसके प्रिंट टुकड़े हैं, क्रैक पड़े हैं, आप ध्यान से सोल्डिंग करें। और आप इसमें पेस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी ऐसी कॉपर की वायर लें और इसे अच्छी तरह से लपेट लें। इस कॉपर की वायर के ऊपर हम सोल्डिंग कर देंगे। ऐसे आप सोल्डिंग कर लें। सोल्डिंग करने के बाद वायर ऐसे दिखेगी, क्योंकि कुछ दोस्तों को पता नहीं होता कि इसके ऊपर सोल्डिंग की जाती है कि नहीं की जाती है, तो सोल्डिंग करने से जल्दी से चिपक जाएगी हमारी जो टीवी के प्रिंट हैं। तो अब हम इन प्रिंटों को पक्का करेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे जम्पर लगाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जम्पर जो पक्का हो चुका है। तो इसको ये जो तार है, कॉपर की वायर है, इसे हम काट लेंगे यहाँ से। ये एक जम्पर पूरा हो गया। अब वो सभी जम्पर बारी बारी हम ऐसे लगाएंगे। थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, हमने ये जो जम्पर है लगा लिए हैं, तो इसे चेक कर लें कि कहीं इसके प्रिंट जो है जुड़े ना हो। फिर उसके बाद हम इसे पेट्रोल या थिनर के साथ अच्छी तरह से साफ कर देंगे, ये जो यहाँ पेस्ट लगी है। तो हमने लिया है थिनर, उसे ब्रश की सहायता से अच्छी तरह से साफ कर देंगे। उसके बाद ये अच्छे दिखाई देंगे। फिर सूखने के बाद हम टीवी के वोल्टेज से चेक करेंगे। 110 या 24, 124 वोल्ट की सप्लाई जो है, ये रही फ्रेंड्स 110 की सप्लाई है। इसमें 89 की सप्लाई आ रही है। कंपनी के जो सेट होते हैं, इसमें अलग अलग सप्लाई आती है। तो अब हम जो बेस को सप्लाई जाती है स्क्रीन को, वो चेक करेंगे। ये देखिए, ये जो यहाँ 175 की सप्लाई आनी चाहिए या 190 वानों की सप्लाई आ रही है। कंपनी के जो सेट होते हैं, उसमें अलग अलग सप्लाई होती है। उसमें प्रॉपर 192 की सप्लाई आ रही है। ये पैनासोनिक कंपनी का टीवी है, तो इसका मतलब इसमें आगे डिस्प्ले वगैरह आ गई है। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें सिग्नल देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमारा टीवी है, बिल्कुल ओके हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।